जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है शरद पूर्णिमा 2024। जानेंगे शरद पूर्णिमा पर करने वाले कुछ खास और विशेष उपायों की जानकारी के बारे में। अगर इन उपायों को आजमाते हैं अपने जीवन के अंदर शरद पूर्णिमा के दिन, तो पूरे साल बरसेगा धन और माँ लक्ष्मी जी हो जाएगी प्रसन्न। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ खास उपायों की विशेष जानकारी आज के वीडियो में। जो हमारे मित्र इस वीडियो में नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं शरद पूर्णिमा के उपायों की कुछ जानकारी। मित्रों, शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और यह दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस रात चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक में होता है और इसकी किरणों से विशेष ऊर्जा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अगर शरद पूर्णिमा की रात कुछ विशेष उपाय किए जाए तो पूरे साल धन और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। आइए जानें ऐसे ही पांच उपायों के बारे में जिन्हें करने से अपने जीवन में आप आर्थिक समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की ऊर्जा का दिन माना जाता है। यह रात केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद फलदायी मानी जाती है। यही कारण है कि इस दिन विशेष पूजा व्रत और उपाय करने से साल भर घर में धन और सुख समृद्धि का वास होता है। चंद्रमा को देवें अर्घ्य। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़े से चावल और पुष्प मिलाएं। चंद्रमा की रोशनी में इस जल को अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर होती है और धन की वृद्धि होती है। खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। इस रात खीर बनाना और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है और इस खीर को परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाएं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और साल भर लक्ष्मी जी का वास उस घर में होता है जिस घर में यह खीर बनती है। देवी लक्ष्मी जी का करें पूजन। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। घर के ईशान कोण में लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और घी का दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। उनके सामने सफेद रंग की मिठाई अर्पित करें और धन प्राप्ति की कामना करें। इस पूजा से घर में धन की कमी नहीं रहती है और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। सप्त धान्य का करें दान। शरद पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को सप्त धान्य यानी कि सात प्रकार के अनाज का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसे करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। यह उपाय करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पूरे साल घर में धन का आगमन होता रहता है। तुलसी की माला से करें मंत्र जाप। शरद पूर्णिमा की रात तुलसी की माला से ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का नियमित जाप करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की बढ़ोतरी होती है। इस मंत्र की शक्ति से न केवल धन बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा एक ऐसा शुभ अवसर है जब आप विशेष उपायों के माध्यम से देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आप इन उपायों को आप अपने जीवन में धन सुख समृद्धि और सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं तो अवश्य आजमाए। इस शरद पूर्णिमा पर इन उपायों को आजमा कर देखें और देवी लक्ष्मी जी की कृपा से अपने जीवन को धन धान्य से भरपूर करें। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी शरद पूर्णिमा के बारे में। आज हमने जाना शरद पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी के बारे में। अगर आप इन उपायों को आजमाते हैं अपने जीवन के अंदर तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही आप प्राप्त करेंगे। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।